गोविंदपुर थाना अंतर्गत कुरैशी नगर में अपराधियों ने नवाजी को पीटा, थाने में दिया गया आवेदन। धनबाद इन दिनों सुर्खियों में है। कारण है, यहां अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है। व्यापारी वर्ग, आमजन यहां परेशान नजर आ रहे हैं। अभी धनबाद पुलिस गोलीकांड को पूर्णतः सुलझा भी नहीं पाई है कि गोविंदपुर थाने में अपराधियों द्वारा मारपीट की घटना सामने आ रही है। शकील अहमद, जो गोविंदपुर थाना अंतर्गत कुरैशी नगर का रहने वाला है, उसने गोविंदपुर थाने में आवेदन देकर इंस्पेक्टर से गुहार लगाया है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। आवेदन में उन्होंने लिखा कि वह रात्रि का नवाज अदा कर घर लौट रहे थे। कुरैशी नगर में ही अपराधी प्रवृत्ति वाले दो व्यक्तियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उनके कपड़े फाड़े गए, उनका चैन छीन लिया गया और उनके पैसे भी छीन लिए गए। इसलिए उचित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ें एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। आइए आपको सुनाते हैं आवेदन देने के बाद शकील ने संवाददाताओं से बात करते हुए क्या कुछ कहा। क्या परेशानी ये है कि पहले तो मैं अपना नाम बताते हैं, मोहम्मद शकील अहमद मेरा नाम है, रसनगर पुलिस में गडरा का रहने वाले हैं। मेरे साथ घटना ये हुआ कि हम नमाज पढ़ के ऐसा का आ रहे थे आज रात का। उसके बाद दो लड़का अंधेरे का फायदा उठाते हुए मेरा मोटरसाइकिल पर ही पत्थर चलाया और हमको मारपीट किया। मेरा पॉकेट में पैसा था, चैन था, कला में पहने हुए थे, पैसा 12,000-12,500 के करीब करीब था, वो सब छीन छान के ले गया। अंधे अब बराबर धमकी देते रहता है और वो लड़का जो है क्रिमिनल की टाइप का लड़का है, हमेशा कोई ना कोई कांड करते रहता है। हम थाने में आवेदन भी दिए हैं, वो आवेदन को संज्ञान लेंगे बड़ा बाबू। अभी तो बोले कि डीएसपी साहब का मीटिंग चल रहा, बोल के नहीं गए, तो जाएंगे। अब बस यही प्रशासन से अनुरोध है कि तो उसका कड़े से कड़ा कोई कार्रवाई करें, नहीं तो आगे चल के मेरे साथ कोई घटना घट सकता है। ये पहले से भी कोई विवाद नहीं, हमारे साथ पहले से कोई भी बात नहीं है, ना हम उसके साथ मेरा कोई बैठना उठना है ना कुछ है। मोहल्ले का लड़का है और एक लड़का है जो रितेश बोल के लड़का है, पता नहीं कहाँ का है, विलेज रोड का लोग बताता है, लेकिन वो भी लड़का उसके साथ में है और पता नहीं अजीब तरह का हरकत कर रहा था। मैं मारपीट करके मेरा सब छीन छान लिया है। धमकी देने का कोई कारण नहीं, हम नमाज पढ़ के आ रहे थे रात्रि और कोई नहीं था हमारे आगे पीछे, हम अकेले थे, अकेले का फायदा उठा करके इस तरह का घटना घटा है। मारपीट किया कि कुछ बोला भी? मारपीट किया, गाली गलौज किया, गंदा गंदा भद्र गाली दे रहा था। हम वही पूछे भाई गाली क्यों दे रहे हो, उस बीच में मारपीट किया और सब देखिए ना घटना ये है। अब बताइए कि क्या करें हम, कारण नहीं बताया, कारण कोई कुछ नहीं, कोई कारण नहीं बताया, काहे गाली दे रहा भाई, काहे मार रहा, कोई तरह का कारण नहीं बताया। थाने से क्या आश्वासन मिला? थाना से आश्वासन ये मिला है कि उसका बहुत तरह का घटना उनके साथ और भी है, क्रिमिनल केस भी है, मोटरसाइकिल जलाया है, सोनू के साथ झगड़ा किया था, उसके साथ उसका और भी रिकॉर्ड है थाना में क्रिमिनल। वो थाना आश्वासन दिया है कि आप जाइए, अभी हम इसका कार्रवाई करेंगे।